दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक समरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में आयोजित की गई। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान हेतु स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। सप्ताह भर के प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का दरभंगा पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को जानकारी दी गई। दरभंगा भाकपा माले ने किया प्रेस वार्ता। दलित, गरीब, किसान, बेरोजगार और बिहार के 5 लाख से ज्यादा स्किल वर्कर का मुद्दा लोकसभा चुनाव का अहम मुद्दा बनाएंगे माले। 29 जनवरी को दरभंगा के पोलो मैदान में मजदूर किसान एकता रैली होगी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर संघर्ष समिति ने दिया सिविल सर्जन कार्यालय पर धरना। दरभंगा में कुशेश शाही हत्याकांड मामले में दरभंगा एसएसपी बाबू राम ने किए खुलासा। मुजफ्फरपुर से एक अपराधी हुआ गिरफ्तार। नीरज मुखिया है मुख्य आरोपी। नमस्कार, मैं हूं नाजिया खालिद। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। हालांकि कई लोगों ने इसे 14 जनवरी को भी मनाया है। पर्व को लेकर शहर से गांव तक चौक चौराहे पर तिलकुट की दुकान सज गई है। चारों ओर वातावरण कबक फैल रही है। दुकान के बगल गारंटी के साथ और तरह तरह के लाइट बढ़ा कर बेच रहे हैं। इसके बावजूद लोगों को चाहिए गया के साथ मूर्ति का भी खरीदने के पिछले साल के अपेक्षा इस साल दाम तो होना चाहिए वो नहीं है। खरीदार के नहीं आने से दुकानदार यूपी से आए दुकानदार अपने सामानों के हिस्सा की बात करते हुए कहा कि पिछले साल तो बाजार बढ़िया था, एक दिन पहले ही सारा सामान बिक गया था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति है। हमारे यहाँ पिछली बार भी बहुत लाई बड़ा था और सारा लाई खत्म हो गया एक दिन पहले, और हम इस तैयारी में लगे हुए हैं। तिला संक्रांत के शुभ पर्व पर हम लोग शुद्धता से बढ़िया गुड़ से शुद्धता पवित्र से बना रहे हैं और लोगों को सोच रहे हैं कि जितना भी हो सके शुद्ध और बढ़िया सामान मिले। मेरा नाम हुआ राकेश कुमार यादव, हम सब यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। यहाँ करीब 10 साल से हम व्यवसाय करते हैं। इस बार पिछली दफे की अपेक्षा जो है इस बार थोड़ा बाजार शुल्क कम है और क्योंकि तेल महंगा है इस कारण सामान सब भी जो है महंगे हैं। और ये 15 है या 16 तारीख को संक्रांत है, इस पर भी सस्पेंशन है, अभी बाजार थोड़ा महंगा। मिजल्स रूबेला का जागरूकता रैली दरभंगा जिला पदाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर निकाला गया। बीमारी को हटाएंगे, दो बीमारी को हराएंगे, ये टीका जरूर लगवाएंगे। दो बीमारी को हराएंगे, बीमारी को हराएंगे, दो बीमारी को हराएंगे। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी प्यारे बच्चों, टेक्निकल बातें सब आपको बता चुके होंगे हमारे विशेषज्ञ लोग। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को ये टीकाकरण कराना है और एक टीका से 2 बीमारियों का बचाव होगा, खसरा और रुबैला। हम लोग जानते हैं वो घातक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है, इससे बचाव के लिए यह अभियान चल रहा है। इसमें हम सभी लोगों को भागीदारी करनी है और जो बच्चे होते हैं वो भविष्य होते हैं हमारे देश के, हमारे समाज के। आप लोग अब से
इतनी जागरूक है और इतनी भागीदारी कर रहे हैं, इसको केवल अभी नहीं बल्कि जीवन में आगे भी बनाए रखना है और जब भी आपको इस तरह का अवसर मिले इसमें अपना योगदान जरूर करना है। तो बहुत शुभकामना सभी बच्चों को। अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, हम लोग रैली निकालेंगे, लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ना है, यातायात नियमों का पालन करना है और बचना भी है, दुर्घटना नहीं हो उससे बचना भी हम लोगों को। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक डीएम के द्वारा अंबेडकर सभागार में किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक समन्वय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में आयोजित की गई। सर्वप्रथम लोक शिकायत के लंबित मामले की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अनुपालन के लिए लंबित मामले की समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि इन मामलों का त्वरित निष्पादन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल लोक शिकायत बिरौल में सर्व अधीक्षक थानाध्यक्ष तथा अंचलाधिकारी बिरौल की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया। आरटीपीएस पर राशन कार्ड के कालबाधित मामले को शून्य करने का निर्देश जिलाधिकारी ने सभी संबंधित को दिया। राशन कार्ड के पीडीएफ निर्गत करने में शून्य उपलब्धि के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर को स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। सभी भूमि सुधार उपसमर्थता को अंचलाधिकारियों की समीक्षा करते हुए ऑनलाइन एलपीसी तथा म्यूटेशन को अपलोड करने का निर्देश दिया गया। आर्थिक हल युवाओं के बल निश्चय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्रखंड में माह जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम के हेतु आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर प्रखंड मुख्यालय में कुशल युवा केंद्र पर आवेदन भी करना है। इस हेतु सभी प्रखंड स्तरीय कर्मी, आवास सहायक, विकास मित्र इत्यादि को लक्ष्य दें। जनप्रतिनिधि को भी इसकी जानकारी दें ताकि इस जागरूकता शिविर में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके। भाकपा माले पुलिस ब्यूरो के सदस्य और मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश सभी लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के लिए सत्ता से भाजपा को बाहर करना आज देशभक्ति का तकाजा बन गया है। भाजपा विरोधी ध्रुवीकरण में भाकपा माले अहम किरदार है। भाजपा के खिलाफ सत्ता के नाजायज दुरुपयोग करने के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल बन रहा है। सीबीआई को जिस तरह से संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर के नकारने की कोशिश हुई, आरबीआई को नकारने की कोशिश हुई, सूचना आयुक्त को नकारने की कोशिश हुई, इसने इस बात को स्थापित कर दिया है कि देश, समाज, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए देश की गद्दी से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना, मोदी को बाहर करना एक राष्ट्रीय देशभक्ति का कर्तव्य बन गया है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में और ख़ास करके बिहार में भाजपा विरोधी एक बड़ा ध्रुवीकरण हो, इस दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है और मैं मानता हूँ कि बिहार में भाजपा विरोधी जो ध्रुवीकरण होगा उस ध्रुवीकरण में भाकपा माले एक महत्वपूर्ण किरदार है। फरवरी से ये राष्ट्रीय अभियान के लोग शुरुआत करेंगे और इस क्रम में बिहार के भी अधिकांश जिलों में और पूरे देश में भी अधिक से अधिक संख्या में सभा होगी और वहाँ से हम जनता को संगठित करने का, जनता को संविधान को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान करेंगे कि मोदी सरकार को इस बार दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि भाजपा जदयू नेताओं के अगल बगल अपराधी खड़े हैं, उन्हें शासक सरकार का प्रिजर्वेशन मिला हुआ है। अपराध के खिलाफ संघर्ष तेज करते हुए 29 जनवरी को दरभंगा के पोलो फील्ड में मजदूर किसान एकता रैली निकाली जाएगी। भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधी को शासक वर्गीय पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। अपराधियों के साथ शासक पार्टी के नेताओं के खड़े तस्वीर सामने आ रहे हैं। अपराध के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा।
दरभंगा में भाकपा माले का 11वां जिला सम्मेलन होने जा रहा है 29-30 जनवरी को। 29 तारीख को पोलो मैदान में मजदूर किसान एकता रैली होगी और जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर के प्रतिनिधियों का चुनाव स्थानीय स्तर और प्रखंड स्तर पर सम्मेलन के जरिए होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। डाटा और ऑपरेटर का धरना प्रदर्शन सिविल सर्जन ऑफिस कार्यालय के समक्ष किया गया। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आउटसोर्स डाटा ऑपरेटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आउटसोर्स डाटा ऑपरेटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। आउटसोर्सिंग डाटा ऑपरेटर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग को आउटसोर्सिंग के तहत हम लोग को रखा गया है और हम लोग 5 साल से विभिन्न स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यस्थल पर केंद्र संस्था पर काम करते हैं। रेफर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, APSC अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सब साथ ही हमारे DMCH में सारे कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग को मानदेय के रूप में कुछ रुपया ही दिया जाता है, हम लोग को पूर्ण मानदेय नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग धरना पर आए हैं कि हम लोग की मानदेय पूर्ण दिया जाए, हम लोग को जिला स्वास्थ्य समिति या राज्य स्वास्थ्य समिति में रखा जाए। कब तक धरना? हम लोग का धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक कि सरकार हम लोग की बातें नहीं मान लेती है तब तक हम लोग यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ? डब्लू कुमार। प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता के इस कॉलेज दरभंगा के परिसर में किया गया एवं विजेताओं को प्रिंसिपल के द्वारा मेडल पुरस्कार दिया गया। आज खेलने में तो बहुत मज़ा आया, हमने देखा कि कौन कैसे खेलता है, उन लोगों की भी प्रैक्टिस देखी, अपनी प्रैक्टिस देखी और फिर देखा कि कौन जो अच्छा खेलता है उसे प्राइज मिला। क्या नाम हो? श्रेया वर्मा। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा कि हमें खेलने का मौका मिल रहा है, सर हम लोग को इतने योगी खेल रहे समझ रहे हैं कि हम लोग इनके साथ खेल सकें। ये लोग बहुत बड़े टूर्नामेंट खेल के आते हैं, हम लोग को खेलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? भटियाड़ी से है। बड़ी खुशी हो रही है, प्रभात दास फाउंडेशन, प्रभात दास फाउंडेशन के प्रभात दास फाउंडेशन किया गया, ये काफ़ी उत्साहवर्धक है बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कबड्डी सबसे पुराना खेल है जिसको जीवंत करना, जिसे जिलाए रखना हम लोग ये है, बच्चों को इससे बात देते हैं और काम करते हैं जो भविष्य के और कहते हैं इस खेल को आगे बढ़ाएं। ये आम लोगों को क्या कहेंगे सर? प्रशासन द्वारा सप्ताह भर में की गई कार्रवाई को लेकर के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा एक प्रेस वार्ता दरभंगा में किया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार सभी जिलों में टेस्ट ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा क्षेत्र में कुल 438 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है पिछले एक सप्ताह में, जिसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी हैं जो गंभीर कांडों में संलिप्त रहे हैं। उसके अलावा करीब 2366 लीटर शराब बरामद हुए हैं, विदेशी शराब, और 2000 लीटर देशी शराब बरामद हुए हैं। और जो एक्साइज एक्ट के में जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसमें पिछले सप्ताह कुल 113 गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा एक पिस्टल, एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक कुशेश शाही की हत्या के 24 दिन बाद मिली पुलिस को बड़ी सफलता। एक अपराधी हुआ गिरफ्तार, दूसरी पत्नी के खातिर शाही की हुई थी हत्या।
बीते 22 दिसंबर को दिन दहाड़े दरभंगा में हुए कुशेश शाही के हत्याकांड में आखिरकार पुलिस को 24 दिन बाद पहली सफलता मिली। दरभंगा पुलिस ने शाही हत्याकांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले अपराधी शुभम ठाकुर उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक हत्या के मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मीडिया से बात करते हुए दरभंगा के SSP बाबू राम ने पूरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि कुशेश शाही की हत्या की साजिश सीतामढ़ी के रहने वाले नीरज मुखिया ने रची और कुशेश शाही की हत्या के लिए 15 लाख की गोविंद नाम के शूटर को सुपारी दी गई थी। नीरज मुखिया ने कुशेश शाही की हत्या के लिए 5 लाख रुपया एडवांस भी दिया था। 22 दिसंबर को NH 57 पर कुशेश शाही एक ठेकेदार थे जिनकी हत्या कुछ अपराधियों ने कर दी थी। इस घटना में पुलिस ने काफ़ी सारे लोगों का बयान लिया, कई जिला में छापामारी हुई, सैकड़ों मोबाइल नंबर का हम लोगों ने CDR निकालकर एनालिसिस किया, जहाँ जहाँ भी संदेह था उन सब लोगों से पूछताछ की गई। और फिर इसमें कांटी थाना के साइन क्षेत्र के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो इस घटना में संलिप्त थे। इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया है। इस घटना का मुख्य कारण नीरज मुखिया जो कि शाही जी का उनके साथ पारिवारिक विवाद था, उनकी पत्नी को लेकर कुछ विवाद हुआ था, इसमें पहले केस भी दर्ज हुआ था, वही घटना का मुख्य कारण था और नीरज मुखिया ने ही ये हत्या जो है सुपारी देकर करवाई है। अन्य कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, टोटल 9 लोग हैं, एक आदमी ही गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 8 अभियुक्तों के लिए छापामारी हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें घटना में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी इंडिका गाड़ी मुखिया की ही थी, वो भी बरामद की गई है। गोविंद शाही नामक एक शूटर है जिसने इसमें मुख्य भूमिका अदा की, उसकी भी अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और अभी अनुसंधान जारी है और छापामारी जारी है, जल्दी ही कुछ और सफलताएं मिलने की उम्मीद है। सर गिरफ्तार इन लोगों ने इस बारे में प्लानिंग तो पिछले 4-5 महीने से ही चल रही थी। मुखिया ने इन लोगों को गोविंद शाही को 5 लाख रुपये एडवांस दिया हुआ था और बाकी 10 लाख रुपये और देने की बात थी। पिछले 4-5 महीना से मुखिया ने लगातार गोविंद शाही के ऊपर दबाव बनाए हुए था कि आपने 5 लाख रुपये ले लिया है लेकिन अभी तक आप काम नहीं कर रहे हैं। तो इस दबाव में गोविंद शाही ने रूपेश ठाकुर और जो ये लड़का अरेस्ट हुआ है गोलू कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन लोगों से संपर्क किया और इन लोगों से इसमें मदद मांगी और बदले में इनको पैसा ऑफर किया। मुख्य कारण जो कुशेश शाही थे और नीरज मुखिया हैं इनके बीच में पारिवारिक विवाद था, जो कुशेश शाही जी की एक दूसरी शादी हुई है उनके साथ में मुखिया जी का भी कुछ संबंध की बात सामने आई है, जिसमें पहले दोनों यहाँ से भाग गए थे, केस दर्ज हुआ फिर वापस आ गए, तो ये इनकी लंबी आपस में विवाद चला रहा था, पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। आज के खबरों से विदा लेती हूँ, नमस्कार। मुस्कान सिंगार एवं गिफ्ट कॉर्नर ब्यूटी पार्लर, यहाँ ब्यूटी पार्लर संबंधित सभी कार्य हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप एवं शादी विवाह में दुल्हन सजाना, दुल्हन मेहंदी का कार्य किया जाता है। साथ ही यहाँ से सभी प्रकार के गिफ्ट, खिलौने, टेडी बियर, कॉस्मेटिक आइटम, झुमका, पायल, फैंसी लहठी, चूड़ी, इयररिंग इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। पूरा पता है गुल्लोबारा नाका नंबर 4 शक्ति धाम मंदिर दरभंगा टावर के निकट। संपर्क करें 9386559234।